सेवा भारती समिति अजमेर विभाग के सदस्यों के लिए आपदा प्रबंधन के तहत बेसिक लाइफ सपोर्ट पर कार्यशाला का आयोजन मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के तत्वावधान में हॉस्पिटल के ही सभागार में आयोजित किया गया। सेवा भारती समिति अजमेर महानगर मंत्री जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस कार्यशाला में सेवा भारती के सदस्य, प्रकल्प प्रमुख, शिक्षक और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला के प्रतिभागियों को हृदयघात से पीड़ित व्यक्ति को तात्कालिक सहायता के लिए कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा आग लगने की स्थिति में अग्निशमक यंत्र का इस्तेमाल सिखाया गया। साथ ही सड़क दुर्घटना अथवा अन्य आपदा और प्राकृतिक हादसों में गंभीर घायलों को समुचित देखभाल के साथ उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने से संबंधित सतर्कता के विषय में जानकारी दी गई। सेवा भारती चित्तौड़ प्रांत के आपदा प्रबंधन आयाम के प्रमुख मोहनलाल खंडेलवाल ने बताया कि आयोज्य कार्यशाला बहुउद्देशीय और समाज उपयोगी रही। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में मित्तल हॉस्पिटल के पेन फिजिशियन डॉक्टर रोहिता शर्मा कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन यानी CPR पद्धति पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। आज सेवा भारती समिति अजमेर और मित्तल हॉस्पिटल दोनों के तत्वाधान में एक आपदा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। हम जानते हैं कि आपदाएं कई प्रकार की होती है, मानव जनित आपदाएं भी होती है और प्राकृतिक आपदाएं भी होती है। इन आपदाओं के समय हम अपने जीवन की रक्षा करें कैसे करें, दूसरों के जीवन की रक्षा कैसे करें, इस प्रकार का एक प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में मित्तल हॉस्पिटल के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने प्रशिक्षण दिया। लगभग 100 प्रतिभागी सेवा भारती के इसमें रहे और सभी ने इसका आनंद लिया और इसको सीखा और अपने जीवन में ये उतारेंगे, ऐसी एक मुझे विश्वास है। मोहनलाल खंडेलवाल, आपदा प्रबंधन प्रमुख, चित्तौड़ प्रांत। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.